लॉकडाउन की वजह से देवघर का बाबा धाम मंदिर में दर्शन बंद है। कल सावन की पहली सोमवारी है और इसे लेकर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद होने की वजह से मंदिर परिसर में मरम्मत का काम चल रहा है। पूरे मंदिर के कायाकल्प की तैयारी है और यहां का जायजा लिया है हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। ये पहला मौका है जब सावन है और यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं इस मंदिर में अंदर हम लोग खड़े हैं, ये मुख्य प्रांगण है यही मंदिर, लेकिन कुछ काम भी यहाँ चल रहा है। जो पंडा धर्मसिंह सभा के जो हैं वरीय अध्यक्ष, इनसे सीधे हम पूछते हैं कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है और इसका क्या, ये जो अभी किया जा रहा है क्या कुछ हो रहा है। ये सभा के द्वारा भी दिया गया था कि मंदिर अभी लॉकडाउन की स्थिति में श्रद्धालु का नहीं आना होगा, तो क्यों ना जहां तोड़ फोड़ या जो भी है ऐसे रंग रोगन का कार्य, सौंदर्यकरण का कार्य, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने और यहां के उपायुक्त महोदया ने भी अहम भूमिका निभाते हुए सारे कार्य को सुचारू रूप से अभी ये चालू है कि अब मेला नहीं लगना है, ऑनलाइन ही होना है। तो सारे कार्य हो रहे हैं मंदिर के, जो भी छोटे से लेकर बड़े रंग रोगन तक के कार्य होंगे। सामने में जो सिंह दरवाजा के गेट है उनका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ऐसा निर्णय आपस में हुआ है। बचा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो गैप्स है इन पत्थरों के बीच में शायद उसे भरा जा रहा है और मैं लगता है कि ये कुछ अलग केमिकल है, शायद यही वजह उसका। ये जो है यहाँ पे करता, उनसे हम सीधे बात करेंगे कि क्या कुछ ये खास बात है। आप जरा सुधांशु जी आप बताएंगे कि क्या कुछ है ये केमिकल, किस तरह से ये जो गैप है ये कुछ है, क्या मिलाकर किया जा रहा है। ये सर मार्बल का पाउडर है, जकेवाइट सीमेंट है और मार्बल का तीन किस्म का दाना है, एक जीरो साइज है, इससे बड़ा है, एक छोटे से बड़ा। लगातार मंदिर में चूंकि सालों भर तीर्थयात्री आते हैं तो ये जो गैप बनते जा रहा था इसका एक अलग प्रभाव रहा था, नीचे में दब भी रहा था, तो कुल मिला कह सकते हैं ये जो समय मिला है अभी मंदिर बंद है और अभी जो लोगों का नहीं आना चाहते होगा तो इस समय का सदुपयोग किया जा रहा है। सरकार ने साफ कहा कि जो भी कुछ टूटा फूटा है मरम्मति का वो किया जा रहा है। इस वक्त कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं मनीष राज, न्यूज 11 भारत के देवघर से।